स्थानीय संभारा आवासीय उच्च विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र पति त्रिपाठी, DDC शशांक शुभांकर, वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्यामनंद झा, स्कूल के निर्देशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह के साथ कई गणमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। व इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इनका उत्साह, इनका डेडिकेशन, आप सभी लोगों का जो उत्साह मैंने देखा, तो निश्चित रूप से ये मेरे कल्पना में भी नहीं था कि यहाँ के बच्चे भी इतने उत्साही होंगे, इतने डेडिकेटेड होंगे। ये इंस्टीट्यूशन इस जज्बे के साथ यहाँ काम कर रहा है। मैं निश्चित रूप से यहाँ आकर के अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे निश्चित यहाँ हमारी पदस्थापना तो पहली बार हुई है, लेकिन मैं इसी मिट्टी का हूँ, बक्सर जिले का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से परिचित था, आना जाना तो होता ही था, लेकिन हमें ये इम्प्रेशन था कि आरा में कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है। और आजकल तो जो कल्चर है कि मिशन का स्कूल है तो उसको अच्छा माना जाएगा, नहीं है तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इस मिसनोमर को, इस मिथक को, ये सद्भावना की पूरी यूनिट जो है इसे तोड़ने का प्रयास कर रही है, ये देख कर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथ ही साथ, समय कम है, थोड़ा कोर्ट का समय हो गया है, लेकिन आग्रह इतना अधिक था कि मैं अपने को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे निश्चित जाना चाहिए और यहाँ अपने बच्चों को का उत्साहवर्धन भी करना चाहिए, और समय समय पर जब भी ऐसा मौका आएगा जरूर हम लोग यहाँ मिलेंगे। लेकिन इसके साथ
मैं एक संदेश देना भी चाहूंगा कि आज जो ये एजुकेशन का जो व्यवसायीकरण होते जा रहा है, हमारी धारणा होती है कि हम पढ़ें और अच्छी नौकरी पाएं, तो ये सिर्फ इस धारणा से हमें सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि हमें ये भी समझना है कि हमें एक अच्छा नागरिक भी बनना है, एक जिम्मेदार नागरिक भी बनना है, हमें अपने अंदर एक अच्छे संस्कार को पैदा करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें काम करना है और डिसिप्लिन के साथ काम करना है, जो कि आज धीरे धीरे हमने यथा ये पाया जा रहा है, मैं भी ये पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं इसका इरोजन हो रहा है, ये थोड़ा सा लोग इसमें कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे अभिभावक का भी ये मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे पढ़ें और अच्छी नौकरी पा जाए, ये सही है, नौकरी भी मिलनी चाहिए, ये पढ़ाई का अल्टीमेट एम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही मैं सभी से आग्रह करूंगा, यहाँ इस विद्यालय से जुड़े हुए, इस संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अध्यापन कार्य से जुड़े हैं, जो अभिभावक हैं, कि बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार को भी पैदा करने के लिए कुछ वैसा उत्प्रेरक चीज बताएं, और साथ ही साथ उनके लीगल राइट्स हैं, क्योंकि हमारी जो समस्या है कि बहुत सारे अपने राइट्स को हमारे जो गार्जियन हैं का जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो नहीं जान पाते हैं, हालांकि हम अपने यहाँ से लोक अदालत के माध्यम से उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद हम उतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बच्चों के माध्यम से ये अवेयरनेस लाया जा सकता है, बच्चे उसमें थोड़ा एक्टिव अपना रोल प्ले करें, लीगल अवेयरनेस भी लाएं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक आध क्लास ऐसा होना चाहिए कि उनके जो बहुत कॉमन, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई इंटेंसिव स्टडी हो उसके लिए, लेकिन कॉमन जो लॉज हैं जिसके बारे में जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है, तो उसकी एक कक्षा जरूर रखी जाए, ताकि बच्चे खुद जाने और अपने अभिभावकों को भी उसके प्रति जागरूक करें, ताकि निश्चित रूप से जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, हमारे कानून के जो स्कीम्स हैं, कैसे हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी सबों को होनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी अध्यापन का से जुड़े हुए लोग हैं इन पर विचार करेंगे, और इसके लिए हम सोच रहे हैं कि कोई अगर संगोष्ठी हम लोग आयोजित करते हैं तो उन्हें भी आमंत्रित करें, और इस पर हम लोग विस्तृत एक जो है एक रोड मैप तैयार करें। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम तो दिन भर चलने वाला है, सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आप खूब उत्साह से पढ़ें ताकि आपके विद्यालय का नाम ऊंचा हो, आप जो है सिर्फ इस विद्यालय का ही नहीं बल्कि इसे पूरे जिले का राज्य स्तर पर